अरे इनका गाना जो है बंद हो गया, इसका मतलब इनका झगड़ा सुलट गया है। मैं जरा देख के आ रही हूँ, एक मिनट। अबे कहाँ है खजाना, अबे कहाँ गाड़ दिया। गाना तो बंद हो गया, लगता है अंदर कोई ना है। मिसेस पंचम, अबे आए दंदन, दंदन, दंदन। सेठ जी नमस्ते, आप सुबह सुबह। मिसेस पंचम, आप यहाँ? सेठ जी कब तक मुंह फुलाती, मुंह में दर्द हो रहा था ना। मतलब आप मान गई? हाँ मैं तो मान गई। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ हैं तो फिर मेरे कमरे में कौन है? गुगू होंगे। देखिए मिसेस पंचम, मुझे एक शब्द में बताइए कि आपका गुगू मेरे कमरे में क्या कर रहा है। अरे सेठ जी इतने शब्दों में समझाया तो आपकी समझ में ना आया। हाँ ये भी बात सही है। हाँ तो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी सेठ जी, हुआ ये कि दरअसल गुगू ने पहले तुमसे मीठी मीठी बातें की। अच्छा। और मीठी मीठी बातें करके हमें अपने पास खींच लिया। और फिर अरे देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक शब्द में मुझे बताइए कि आपका गुगू मेरे कमरे में क्या कर रहा है। गुगू मुंह फुला के आपके कमरे में बैठे, दरवाजा बंद करके। ये बात है। मतलब मेरा कमरा जो है कोप भवन हो रखा है कि जिस किसी को भी गुस्सा आएगा मेरे कमरे में घुस जाएगा। मैं इसको तो देख लूंगा। अबेर जा तू। अरे यार ये क्या आफत हो रखी है, अब क्या सेठ जी नया रायता फैलाएंगे जाके नीचे। लंबू ओए धमधम। सेठ जी पंचम, अबे तूने जो अंदर दम दम मचा रखी है बंद कर दे। अरे क्या मजाक लगा रखा है तुम मियां बीवी ने। अरे तुम मियां बीवी के चक्कर में मेरा काम अटक गया। अबे तू तू बाहर आ रहा है या मैं अंदर आऊं? पापा नहा लो जरा, क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है पापा। बाहर निकाल, मेरा कमरा छोड़ दे। पापा मुझे तो लगता है कि पिंटू भाभी जीजाजी की ना जबरदस्त लड़ाई हुई है फिर से। कोई बात नहीं, मियां बीवी के बीच की बात है, हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। अरे बीच में मैं ना पड़ा हूँ, बीच में तो वो मेरे और हमें लड़ना है तो बरसाती में जाके लड़ ले। ये क्या कि मेरे कमरे में कब्जा करके बैठ गया तू? अरे कब्जा नहीं किया है, वो पिंटू भाभी अभी आएंगी थोड़ी देर में, मना लेंगी। तोता मैना है दोनों। फिलहाल तो दोनों सींग निकाल के लड़ रहे हैं एक दूसरे से और मेरे कमरे में बैठे हैं। अरे ये मेरा कमरा क्या लगा रखा है? अरे ऐसा कौन सा काम अटका हुआ है अंदर जो आपको जाना है? नहीं बताइए मुझे, मैं भी तो सुनू। नहीं बताओ, अभी बताओ क्या? अरे वो तेरी माँ के क्या मम्मी से क्या है? अरे क्या है, क्या बोल रही है? तेरे पापा के, अरे पापा के क्या, अरे क्या है बोलो बताओ। बस ऐसी सवाल 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 जवाब करती रहे तू मुझसे और अपनी माँ से। ये ना घुसपैठिया को बाहर निकालने में मदद करे मेरी, बात कर रही है बेकार की बैठे बैठे। चल करू तू बाहर चल। चल बे बाकी कल आओ। सेठ जी आ तो खास मालिश करूंगा तुम्हारी एकदम गूलर तोड़।
कैसी रही किताब? बन गया हनीमून गोलियां खा के? अरे यार तू चुप रहा यार, तू मतलब जो है बिल्कुल मेरे दुखती रग पे जो है पैर रख के कुचल रहा है तू, कुचल मत बस उसे। क्या बात हो गई? पिंटू जी गई ना के कमरे से अब तक? वो तो चली गई। तो देखो वो टंटल घुस गया मेरे कमरे में मिसेस पंचम से लड़के। बड़ा गूलर आदमी, ये क्या बात हुई? खुद की बीवी खुद की लड़ाई और भड़ा तुम्हारे कमरे में निकाल ले। जी तुम्हारे अरमान तो बस कूलर चबा के रह गए होंगे। अरे यार मत पूछ मत तू यार कसोटे, मतलब दिमाग की नसें ऐसे फूल रही हैं किसी वक्त फट सकती हैं बता रहे हो। एक बार बता मालिक तुम हो कि वो है? मालिक तो मैं ही हूँ। पर शक्ल से तुम मुझे नौकर लग रहे हो। देख रहे तू? तू देख मालिक मैं हूँ लेकिन मेरा नौकर जो है वो मेरे कमरे में, मेरा नौकर मेरे ही कमरे में। अब बोलना तो दे। हाँ तो बोलो तो तभी तो समझ आएगा मेरे को। मैं कह रहा हूँ देख मालिक मैं हूँ लेकिन मेरा नौकर मेरे ही कमरे में कब्जा करके बैठा है, इसका क्या करूँ? सेठ जी चिंता मत करो, देखो कुछ घंटे की बात है। नई नई शादी के झगड़े जो है सोडे के बुलबुले की तरह होते हैं, जल्दी फूट जाते, तुम चिंता मत करो। ना मुझे ना लग रहा यार खसोटे, मुझे ना लग रहा जिस हिसाब से वो एक दूसरे पे जो है बर्तन बांटे फेंक रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रखे हैं। बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम्हारे पे। रेस्ट इन पीस, मतलब तुम्हारा ही नौकर तुम्हारे मुंह में गूलर दे रहा। यार एक बात बताऊं, तूने बहुत गलत टाइम पर तूने वो किताब दी है मुझे, अब तो सिर्फ आहे भर भर के अपना टाइम पास कर लो बस हो गया। सेठ जी मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यू नीड टू डू सम स्टेप वेरी क्विकली वरना फूल सी सेठानी जी गूलर दे देंगे तुम्हारे मुंह में। और इलायची कैसी है? मैं हट गूलर दे दूंगा मुंह में बता रहा हूँ। इलायची के पापा पन्ना नंबर 66 में ना। ए, कह रही है तू? जल्दी आना घर पे। अरे जल्दी का तेरे साथ ही चल ले आऊं मैं। हाँ आ जा। अरे पकड़ तू यार। अरे भागी। चल तो 66 नंबर पन्ना भी रट लिया। मिसेस पंचम, इलायची। सेठ जी आपने बुलाया? क्या हुआ पापा? मिसेस पंचम जी, सेठ जी ये कुछ ज्यादा हो रहे हैं, ये मेरे कमरे में घुस के बैठ गया है बताइए। अरे सेठ जी गुगु अंदर पिकनिक मनाने थोड़ी गए, गुस्से में बैठे रूठ के हमसे। ना ना वो तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे ही कमरे में क्यों? पापा मुझे लगता है ना कि देखो बरसाती में तो अब एक ही कमरा है तो जीजा जी रूठ के भी कहाँ बैठेंगे, और पिंटू भाभी को तो घर से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा मिसेस पंचम को बाहर ना निकाल सकते लेकिन अपने मालिक को बेदखल कर सकता है वो कीर्तन है? पापा पंचम सुन, अगर ऐसी कमरा बंद रहा ना तो हम बस ऐसे कीर्तन करते रहेंगे यहाँ। लहजी के पापा जल्दी कुछ करो वरना 66 क्या 900 पन्ने भी पढ़ लेंगे हम लोग और कमरे के ताक में ही बैठे रह जाएंगे। मम्मी यार एक औरत हो क्या आप एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो? फिलहाल तो पिंटू को मेरा दर्द समझना चाहिए। आपका दर्द? इसके कमर में दर्द है। हाँ अपने बिस्तर पर ना सोई है ना तो इसके कमर में दर्द हो गया। मम्मी पापा आप लोग नहीं जानते कि आप लोग का ये त्याग ना एक मियां बीवी को मिला रहा है। देख ऐसा, अरे ये दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं और तू उसे मेल मिलाप कह रही है, कैसे भी करके उसे कमरे से बाहर निकाल दे भाई, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। हाँ
आपको कौन सी जरूरतें हो सकती हैं? बताओ, चुप क्यों? बताओ ना, कौन सी जरूरत है? मुझे तो बता ही सकते हो। अब अरे हो, वो ऐसे साड़ी ना बदली है ना अपनी, तो तेरी मम्मी को साड़ी बदलनी है। और फिर तेरी मम्मी साड़ी ना, वो तो टेंट पहनती है, तो उसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है ना, है ना? यहाँ भी उड़ा लो मेरा मजाक, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन तो, हेलो, कौन है बे? ब्यूटी, ऐसा है कि हम A to Z गैस कंपनी वाले हो रखे हैं। हाँ भाई साहब, वो तो आपका पेट देख के लग ही रहा है। चांदनी चौक में गैस की पाइपलाइन लगने वाली है, तो मुझे आपके बेडरूम की लोकेशन चेक करनी है। तू क्या जबान दिखा रही है? वो जबान दिखा के चिढ़ा रहे मुझे? एक मिनट, ये गैस की पाइपलाइन बेडरूम से कब जाने लगी? हाँ, ऐसा है कि हम गैस वाले हो रखे हैं, और हम चाहें तो तुम्हारे पापा के पजामे के अंदर से पाइपलाइन ले जाएं। हमारे काम में दखल देने वाली तुम कौन हो रखी हो? अरे देखिए भाई साहब, आपको जहां से पाइपलाइन निकालनी है निकालो, जहां चेक करना कर लो, मेरा कमरा बंद है। वो क्या है कि उसमें मेरा नौकर मुंह फुलाए बैठा है। नौकर को छत पे चढ़ा कर। नौकर को सर पे चढ़ाने से यही नतीजा निकलता है। एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम रखिए आप प्लीज। देखो भाई साहब, ऐसा है, कैसे भी उसको कमरे से बाहर निकालो, हमें बहुत जरूरी काम है। हमें तो जरूरी काम ही एक छींक में निपटाने की आदत है। आप कहें तो आपका दरवाजा तोड़कर आपका बेडरूम आपके हाथ में दे दे। नहीं, दरवाजा तोड़ नहीं सकते पापा, बहुत खर्चा हो जाएगा। देखो ये ऐसा है, अगर दरवाजा तोड़े कुछ हो सकता है, कोई जुगाड़ हो सकती है क्या? इलायची के पापा, हाँ? इससे पहले कि हमारी पूरी उम्र खर्च हो जाए, ये खर्चा कर लो। तोड़ दो भैया। क्या तोड़ दो भाई साहब? नहीं 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 नहीं, मैं इतना बड़ा नुकसान होते हुए नहीं झेल सकती हूँ आपका। मैं जा रही हूँ ऐसे, चलो पिंटू भाभी चलो। अरे एक मिनट, कैसे जाएगी तू? बात करी बेकार की। वो बाहर टेंडर आएगा तो मिसेस पंचम और उसको संभालने के लिए तेरी जरूरत पड़ेगी ना। बात कर रही है, चल कोई ना जाएगी तू। क्या करी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल अंदर जा कमरे में सीधे। अच्छा, अंदर जा सीधे कमरे में, चल आजा। आ जाओ भैया, आ जाओ। सेठ जी, अब देखिएगा मैं कैसे एक दो और तीन करके इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। एक मिनट। पिंटू, वो गैस पे दाल चढ़ी हुई है, जल जाएगी बेटा, जा बंद कर दे। हाँ अभी आई। Thank you.
बंद कर दिया। प्यूरी। अरे यार, ये जीजाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये दरवाजा टूटा तो हमारा भांडा भी फूट जाएगा। प्यूरी प्यूरी प्यूरी। अरे एक मिनट भैया, फोन आया। हेलो हेलो सेठ जी। हाँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। अरे मैं अपने कमरे में ना घुस पा रहा हूँ, उससे बुरी खबर क्या होगी? बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, आपको ना एक पते की बात बताने जा रही हूँ। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ, आपके सामने जो गैस टेक्नीशियन खड़ा है ना, हाँ वो चोर है। अभी अभी जेल तोड़ के भागा है और लोगों की तिजोरी तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहा है। कौन बोल रहे हो भैया तुम? सेठ जी, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हेलो पिंकी फिर फंस गया। तो गैस वाला ना चोर है, बचना ना पाया। हाँ भैया, शुरू करो, तोड़ो तोड़ो। हो गई आप लोग की सारी बातचीत? हाँ हाँ हाँ। अब मैं दरवाजा तोड़ दूँ? मेरे घर में चोरी करेगा छोड़ने? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी। हाँ जी। आप फिर इस हालत में? वो अपना सेठ जी पिंकी जी ने आपसे कहा था ना कि पिंकी जी एक स्पेशल मिशन में हो रखे हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में बता ना सकते पिंकी जी, पर आप लोगों ने इतना क्यों कूटा पिंकी जी को फिर से? आई, अरे मेरे पास फोन आया था, उसने कहा कि आप चोर हैं। हैं? कौन 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 था वो? शुभ चिंतक। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि ये पिंकी जी का कौन है शुभचिंतक हो रखा जो पिंकी जी के लिए इतना अशुभ है पिंकी जी सोच रहे हैं? साहब जी, आपको किस पे शक है? ना किस पे, मतलब पिंकी जी किस पे शक करे मंगीलाल? पूरा चांदनी चौक पिंकी जी का फैन हो रखा है यार। मैं चल। साहब जी, मैं तो दाल में पड़े कंकर से बोल गया था। अबे चल हट पगले, खाना खराब करेगा। अच्छा ये ना जी। ना ये तो ठीक है, पर ये शुभचिंतक कौन हो रखा है यार? साहब जी, आपके अलावा ये बात किसी और को थोड़ी ना पता थी। ये भी तो बिल्कुल सही कह रही है, ये बात पिंकी जी के अलावा सिर्फ तुझे और पुष्पा को ही पता थी बस। साहब जी, मैं तो आपका मतलब शुभ चिंतक हो रखा हूँ, परम भक्त हूँ। जहाँ आप पैर रखते हो वहीं की धूल साफ करता हूँ, आपको तो पता है। नहीं नहीं मंगीलाल, तू ऐसे मत किया कर यार। तेरी जगह ना पिंकी जी के पैरों में ना एकदम ना, तेरी जगह पिंकी जी के दिल, इधर दिल में है, तू गले लग जा तू बस। आप महान हो साहब जी। इस बार ना मैं आपके लिए ना इलेक्ट्रिशियन के कॉस्ट्यूम मंगाए हैं, आप वही पहन लीजिए। और सुन, किसी के सामने मुंह मत खोलना बेटा। मतलब किसी को बताइएगा नहीं, ये भूल गया था। हाँ ना ना ना, चुप एकदम, मुंह बंद रखेंगे पिंकी जी। और सुन, तूने मतलब खुद ही अपने आप वो इलेक्ट्रिशियन की कॉस्ट्यूम भी मंगा ली? अरे यार मंगीलाल, तू पिंकी जी के टेंशन में ना इतना मत घुला कर यार ना, मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ।